अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। अब यहाँ अगर थ्योरी की बात करें तो इसके लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो पहले होंगे। कॉन्सेप्ट्स हमें जो चाहिए वो कौन कौन से हैं कि आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का पता होना चाहिए वो कैसे होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम जो फोकस करेंगे वो कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर करेंगे, ठीक है। आपको नॉर्मल वाली जो जनरल थ्योरी होती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसके पोस्टुलेट पता होने चाहिए कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ठीक है, डीजनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। उसके अलावा आपको इसके साथ जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए वो होमो एटॉमिक वालों का और हेट्रो एटॉमिक वालों का। जो आपने पहले थ्योरीज पढ़ी हुई हैं वो होती हैं मोनो, वो यानी कि होमो एटॉमिक के केस में होती है, यानी कि दोनों साइड पे सेम एटम होते हैं, ऑक्सीजन एटम्स हो गए या नाइट्रोजन एटम्स हो गए। लेकिन ये जो थ्योरी होगी ना इसमें थोड़े से डिफरेंट चीज़ें आ रही होंगी कि दोनों साइड पे एटम्स जो होंगे या जो ग्रुप्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। तो इसलिए आपको पहले इसके सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फॉर होमोएटॉमिक जो सिंपल वाली थ्योरी है। सेकेंड पे आपको क्या पता होना चाहिए, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का पता होना चाहिए। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से क्या होगा कि हमें यहाँ पे स्प्लिटिंग शो करनी होती है, तो उसके लिए हमें पहले क्रिस्टल फील्ड का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो अगर अभी तक आपने ये दोनों चीज़ों के बारे में आइडिया नहीं है आपको, तो बेहतर है कि आप पहले, मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिंक सेंड कर रहा हूँ, ये लिंक में से आपने दोनों को देख लेना है, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को भी और जो हमारे पास क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है उसको भी। पहले आप वो देखेंगे तो फिर उसके बाद ये वाले लेक्चर को आपने देखना है, वरना ये लेक्चर फिर एडवांस होगा और इसलिए आपको फिर समझ नहीं आ रहा होगा। तो सिंपलिसिटी के लिए मैंने वो दोनों लेक्चर्स जो हैं वो अलग रखे हुए हैं, इसके अंदर मिक्स नहीं किया और एक्सप्लेनेशन भी नहीं दी। पहले आप उसको देखेंगे और इसके बाद जब आप ये देखेंगे तो आपको खुद ब खुद बहुत आसानी से पॉइंट्स समझ आ जाएंगे सारे। अच्छा, स्प्लिटिंग का मैंने थोड़ा सा आइडिया यहाँ पे दोबारा रिवाइज करवा दिया। अब यहाँ पे देखिए, हमें दो तरह के लिगेंड्स मिल जाते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड, और इसमें हमने क्या करवानी है, हाइब्रिडाइजेशन करवानी है, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स का मैं आगे स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा एग्जांपल के तौर पे, वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा और सबसे मशहूर ऑक्टाहेड्रल्स ही आते हैं ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो यहाँ पे अब देखें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करेगा, वो स्प्लिटिंग ऐसे करवाता है ऑक्टाहेड्रल के केस में। अब जब स्प्लिटिंग हो जाएगी तो क्या होगा, यहाँ पे ये जो गैप है ना बहुत ज्यादा हो जाएगा और इनकी डीजनरेसी खत्म हो रही है, तो पेयरिंग यहाँ पे हो जाएगी। वो किस तरह होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहले लो एनर्जी में फिल, जब तक नहीं हो जाते तब तक हम हाई की तरफ नहीं जाते। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, इस वाले में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। अब यहाँ पे हमें नजर ये आ रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बड़े, ये जो ये खाली ऑर्बिटल्स हैं, इनकी एनर्जी इसके साथ बराबर बराबर आ रही है, ठीक है। और अब ये जो है हाइब्रिडाइजेशन में इस्तेमाल होंगे, तो ये हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी, D2SP3 ऑक्टाहेड्रल के लिए। वीक फील्ड के केस में क्या होगा, वीक फील्ड के केस में यहाँ पे यही स्प्लिटिंग हो जाएगी, लेकिन ये जो गैप है वो इतना ज्यादा नहीं होगा। अब वो जब गैप ज्यादा नहीं होगा तो फिर उसमें हमें क्या नजर आएगा कि ये जो है ना पेयरिंग नहीं हो रही होगी, बल्कि इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग रहेंगे, क्योंकि इन दो के एनर्जी में इतना ज्यादा फर्क नहीं आ रहा। तो इलेक्ट्रॉन फिल ऐसे होंगे 1, 2, 3, 4, 5 और अब जगह नहीं बची तो फिर एक पेयर में लग देंगे। अब ये कॉन्सेप्ट समझाने की वजह ये थी कि यहाँ पे ना ये जो ये वाला हिस्सा है ना, ये बॉन्ड में इस्तेमाल नहीं हो रहा होगा। देखें हाइब्रिडाइजेशन में क्या इस्तेमाल हुए, D2SP3, ये D वाले तीन इस्तेमाल ही नहीं हुए। सेम यहाँ पे भी D2SP3 इस्तेमाल हुए और ये जो तीन D हैं ये इस्तेमाल ही नहीं होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल है यहाँ पे MOD डायग्राम ऑफ FeCN6 फॉर नेगेटिव की। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, आयरन की कॉन्फ़िगरेशन। तो ये आयरन की कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है, इसका नंबर होता है 26। अब 26 के हिसाब से देखें तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनती है, 3D6 और 4S2।
ठीक है, वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट फिर क्या करेंगे, यहां पे इसकी स्टेट चेक करेंगे, तो आयरन कौन सी स्टेट में है, अपना प्लस टू स्टेट में, ये देखें सिक्स इसके, अगर आपको काउंट करनी नहीं आती तो लिंक मैं यहाँ पे सेंड कर रहा हूँ, इसमें आपने देख लेना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कैसे फाइंड करते होते हैं मेटल के। अब कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स की अगर बात करें, यहाँ पे ये सिक्स लगे हुए हैं और चार यहाँ पे हमारे पास क्या है, चार, जिसकी वजह से इस पे प्लस टू चार्ज आ रहे हैं, प्लस टू चार्ज की वजह से ये यूं बन जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, इधर जीरो रह जाएंगे, इधर क्या रह जाएंगे, 3d6 हो जाएगा। ठीक है, अब 3d6 वाले को हम ड्रॉ कर लेते हैं आयरन को, ये उसके ऑर्बिटल्स आ गए, ये 5d हो गए, एक s और फिर ये p, ये 4s, यानी कि ये 4s हो गया, ये कौन सा हो गया, 4p वाला हो गया। नेक्स्ट जो है हमारे पास यहाँ पे, इसके साथ हमने क्या करना है कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो ये 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। 6 इलेक्ट्रॉन फिल किस तरह किए हमने पहले, कि अभी हमें लिगेंड का नहीं पता किस किस्म का है, तो हमने तरतीब से फिल कर दिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट इसके साथ हम ड्रॉ कर लेते हैं जो इसके साथ लिगेंड्स अटैच हैं, CN, CN6 यहाँ पे अटैच हैं पड़े, और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, ये हमने 6 लिगेंड के ऑर्बिटल्स दिखा दिए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स दिखाएंगे कि लिगेंड क्योंकि इलेक्ट्रॉन का पेयर देता है, तो ये इलेक्ट्रॉन के पेयर की साइनाइड का आ गया, तो इसी तरह 6 पेयर्स आएंगे, ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 पेयर्स आ गए। नेक्स्ट फिर हमने क्या करना है, इसके साथ वो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड का कॉन्सेप्ट था उसको अप्लाई करना है, ये मैंने कलर डिफरेंट शो कर दिए पहले से ही कि जब स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो ये पेयरिंग हो जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर हो जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो ग्रीन वाला ये खाली हो जाएगा। ड्रॉ करते वक्त डायग्राम आपने इसको खाली शो नहीं करना, ठीक है, लेकिन जब हाइब्रिडाइजेशन में या बॉन्डिंग में इस्तेमाल करेंगे तो आपने इसको खाली कंसिडर करना है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इसका कलर डिफरेंट शो किया हुआ है। ये डायग्राम में हमें नजर आ रहा है जो तीन हमने कहा था बॉन्ड में इस्तेमाल नहीं होंगे, तीन ये वाले ब्लैक वाले बॉन्डिंग में इस्तेमाल नहीं हुए, वे साइड पे आ गए, और इनमें जो तीन वो जो इलेक्ट्रॉन्स रखने थे हमने पेयर करके वो ये शो कर दिए हमने, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, ये इस जगह पे आ गए, जो कि जो बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेंगे। फिर अब हम इसका क्या करवाएंगे, ओवरलैप्स करवाएंगे, जो MOT के हिसाब से होता है कि यहां से हम ये 2d यूज करेंगे और इन 2d का ओवरलैप करवाएंगे यहां से 2 ऑर्बिटल्स के साथ, कुछ इस तरह, ये इनका कौन सा होगा, बॉन्डिंग ओवरलैप होगा। जब बॉन्डिंग ओवरलैप होता है तो उसके ऑपोजिट यकीनन बनता है, और वो कौन सा होता है, एंटी बॉन्डिंग, ये उसका एंटी बॉन्डिंग आ गया। ठीक है, नेक्स्ट फिर क्या करेंगे, हम इस एस वाले का यहां से फिर एक ऑर्बिटल से ओवरलैप करवाएंगे ऐसे, तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास, एक उसका बॉन्डिंग का और एक एंटी बॉन्ड का। नेक्स्ट उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे इस पी वालों का ओवरलैप करवाएंगे, पी वालों का ओवरलैप करवाएंगे तो कैसे बनेगा, यहाँ पे एक यहाँ पे आ गया, ये पी के तीन, ये जो तीन कर रहे हैं ओवरलैप, इधर से भी तीन वालों के साथ, और साथ ही इसका एंटी बॉन्ड बनेगा ये वाले। ठीक है, अब इस डायग्राम के अंदर ये जो सीक्वेंस है ना, जो आपने ये ड्रॉ किया है, इस सीक्वेंस के साथ आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है कि ये डायग्राम क्या है, नॉन स्केल डायग्राम है। ठीक है, कि ये स्केल डायग्राम होती तो फिर हमें इस चीज पे इश्यू हो सकता है कि ये जो है इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी में कंपैरिजन बताना हो तो फिर इसको ऊपर या नीचे लिखना पड़ता है, लेकिन जब ये डायग्राम नॉन स्केल लिख दी गई है मेंशन, क्योंकि आपको बुक्स में जो मिलेगी ना डायग्राम उसके साथ मेंशन होगा कि ये नॉन स्केल्ड है। अब ये डायग्राम जब हमारे पास बन जाएगी, इसके बाद हमने क्या करना है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करने के लिए क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना टोटल 12 इलेक्ट्रॉन ये हैं, और इधर ये जो इस्तेमाल हो रहे हैं बॉन्डिंग में, ये हमने क्या कहा था, मैंने कहा था इसको खाली कंसिडर करना है बॉन्डिंग के लिए, क्योंकि ये 6 के 6 कहां पे आ गए, इधर, तो इधर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन है और यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन के पेयर्स हैं, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे पास, 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए।
तो इसको आप कहीं रफ में साइड पे लिख लें ताकि वो आसानी रहे आपको, पेपर में नहीं लिखना इसको या आपने इसको एक्सप्लेन करते हुए नहीं लिखना। नेक्स्ट फिर क्या करेंगे, हम इन 12 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे कौन से अफ बाउ रूल के हिसाब से, कि लोअर सिनर्जी से फिल करेंगे और हायर की तरफ चलते जाएंगे। पहले बॉन्ड्स वाले फिल होंगे, फिर एंटी बॉन्ड वाले होंगे। अब यहां पे फिल करते जाते हैं हम इलेक्ट्रॉन्स किस तरह, ये 1, 2, 3, 4, 5। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करने होते हैं, ऐसे 1, 2, 3 इस तरह करके, ठीक है। तो ये कितने हो गए हमारे पास, 5 इलेक्ट्रॉन, फिर ये 6, 7 और 8। यानी कि अब जब वो इस जगह पे इलेक्ट्रॉन्स एक बार लगा दिए, उसके बाद दोबारा हम फिल करने हो तो फिर क्या करेंगे, ऊपर नहीं जाएंगे जब तक ये पूरा फिल नहीं हो जाता, तो इसीलिए पेयरिंग करवा देंगे, ठीक है। तो ये टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए अब, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है। ये 9, 10, 11 और 12, ये टोटल 12 इलेक्ट्रॉन यहीं पे आ गए हैं। तो इस वजह से अब यहां पे क्या होगा कि ये इसकी कंप्लीट MOT डायग्राम ड्रॉ हो गई है, और ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने इसको ड्रॉ करने का तरीका बताया उन्हीं स्टेप्स के ऊपर चलते हुए ड्रॉ करेंगे तो होगी। अगर मिसाल के तौर पे आप ये देखें, इस वक्त अगर आप इस डायग्राम को देखें तो नॉर्मली स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि इस डायग्राम को स्टार्ट कहां से करें, और अगर वो इनको स्टेप बाय स्टेप नहीं करेंगे आप तो प्रॉब्लम ये आएगी कि कहीं पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा लगा देंगे या कम हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए बेहतर है कि जिन स्टेप्स के अंदर मैंने इसको कंप्लीट किया है कि जैसे जैसे इसके पहले बॉन्ड्स बनाए थे, फिर ये ऑर्बिटल्स बनाए थे, वो सारे आपने उसी तरतीब से बनाते जानी है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की फिलिंग सबसे आखिर में करनी है। होप कि आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा। इसी तरह के और कॉम्प्लेक्स जो हैं, जो मैंने यहाँ पे इसके इस पार्ट 2 में वीडियो के सेंड किए हैं, वो जो सेकंड लेक्चर होगा इसमें क्या होंगे, वो दो और कॉम्प्लेक्स हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसमें जस्ट मैं उस कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर फोकस करूंगा, बाकी इस वीडियो में से आपने दोबारा देख लेना है कि स्प्लिटिंग कैसे होती है और बॉन्डिंग कैसे होती है। लेजेंड कॉलेज के पेज को भी आपने सब्सक्राइब करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको नेक्स्ट जितने भी लेक्चर्स अपलोड हो उनका पता चलता रहे। इसी तरह के बाकी लेक्चर्स आपको लेजेंड कॉलेज के पेज पे भी मिल जाएंगे, कि वहां पे केमिस्ट्री के जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उनमें भी आपको लेक्चर वहां पे मिल जाएंगे।